नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का मुद्दा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर के वैचारिक स्तर पर भी बहस हो रही है और अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सांस्कृतिक, धर्म, राष्ट्रीय पहचान, लैंगिक समता आदि से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कई लड़कियां हिजाब पहनकर इसका विरोध कर रही हैं और वहीं कई लड़के भगवा शॉल में इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा तो यह मानना है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जाति कुछ भी हो, पर शिक्षा की कोई जाति नहीं होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसी मुसलमान के लिए इसका फॉर्मूला अलग है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसी हिंदू के लिए इसका फॉर्मूला अलग है। दोस्तों, स्कूल या कॉलेज में आखिर यूनिफॉर्म क्यों लागू किया जाता है? ताकि स्कूल में कोई भी अमीर, गरीब, जाति, मत, मजहब ना हो, सब एक जैसे एक कपड़े में दिखे, ताकि जात पात का भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म रखा गया है। जैसे देश की सेवा करते समय सैनिक का एक यूनिफॉर्म होता है, ठीक वैसे ही स्कूल में पढ़ रहे बच्चे यानी जो कि देश के भविष्य हैं, उनका भी एक ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हो सकता है कि इस पे किसी के धर्म गुरु आपको गलत दिशा में लेकर जा रहे होंगे या बार बार आपको भड़काने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश को न हिंदू से तकलीफ है, न मुसलमान से तकलीफ है। इस देश को यदि तकलीफ है तो बेईमान और गद्दारों से तकलीफ है। आगे खबरों के लिए आप बने रहे BCN न्यूज़ पे। धन्यवाद।